देखिए पुलिस की लाठी चार्ज की जा रही है, ये तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर पुलिस की लाठी चार्ज, ये देखिए तस्वीरों को। हम लोग उसके बाद जो है बैरिगेटिंग के पास लोग रोक दिए, उसके बाद ये हुआ कि लाठी चार्ज हो गया। कितने लोगों को चोट आई है? लगभग 6 लड़के को लाठी चार्ज हुई है। देखिए हमारे साथ दिलीप हैं, छात्र नेता हैं, उनसे जुड़ेंगे। दिलीप जी, ये आप लोग का प्रोटेस्ट जो है डाक बंगला चौराहे पे पहुंच चुका है, ऐसे में क्या होगा? हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा, सचिवालय से है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, रद्द किया जाए। और ऐसे में पुलिस का सुरक्षा काफी चौक चौबंद कर दिया, प्रशासन का अपना काम है वो करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। कितने अभ्यर्थी यहाँ पहुँच रहे? हजारों है, देख लीजिए हजूम में, हजारों हजार, आप देख लीजिए 1 किलोमीटर तक ऐसा भीड़ चलता रहेगा, यहाँ देख लीजिए हजारों की संख्या में अधिक होगी तो पुलिस की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है। प्रशासन ऐसे ही होती है, हमारा काम है बिहार से एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिए, पटना का डाबंगला चौराहा और हजारों अभ्यर्थी यहाँ पहुँच चुके हैं। BSSC CGL 3 सचिवालय चाहे की परीक्षा रद्द करो, ये तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। पूरा के स्टूडेंट आए होंगे, हाथ टूट गया, प्रशासन हम लोग का किस तरह से प्रशासन किस तरीके से जो है प्रशासन जो है BSSC छात्र को जबरन गाड़ी में बैठाने का कोशिश कर रही है। ये लग रहा है कि ये छात्र नहीं, ये उग्रवाद है, ये आतंकवाद है। उस तरीके से जो है प्रशासन जो है इस छात्र को जो है अंदर धकेलने का कोशिश कर रही है। इनकी क्या यही गुनाह है कि अपने ये वायरल रोजगार मिल गया भाई।